स्टार्टअप सेक्टर के लिए बीता साल एक बुरा सपना बनकर गुजर गया और दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी स्टार्टअप की बंद होने और छटनी किए जाने की खबरें सुर्खियां बनी। हैमर ग्रोथ, डिक्लाइनिंग रेवेन्यूज, अ कोलोसल फंडिंग स्क्वीज एंड अ नेवर एंडिंग फायरिंग स्प्री। Is India's startup boom slowing down? Layoffs, hiring freeze, cost-cutting, a revenue slowdown coupled with a market sell-off after a 13-year-long bull run, gloom seems to have set in as tech companies grapple with a floundering economic outlook. In the year 2020-21, thousands of startups were born. And in India, हर एक दूसरे दिन एक नया यूनिकॉर्न पैदा हो रहा था। Last year, in 2022, Indian startup raised $8 billion. Which went to $3.6 billion in the second quarter. पर अचानक फंडिंग कम क्यों होते जा रही है और इसके साथ साथ हमें layoffs और shutdowns क्यों देखने को मिल रहे हैं? To understand this, हमें past में देखना होगा। बात 15 साल पहले की है जब Flipkart चालू हुआ था, the mafia of Indian startups. And thanks to them, इनके कारण ही Indian startup ecosystem का जन्म हुआ था। कंपनीज लाइक उड़ान, फोनपे, वोगो, ये सारे कंपनीज की शुरुआत यही से हुई है। पर आज भी फ्लिपकार्ट प्रॉफिटेबल नहीं है और ऐसे कई इंडियन स्टार्टअप्स हैं जिनका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है पर वो बहुत ज्यादा लॉस में। जब 2018 में फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने एक्वायर किया तब इनका लॉस 2000 के अराउंड था, पर तब भी इन्वेस्टर्स लाइक सॉफ्टबैंक ने बहुत पैसे बनाए और धीरे धीरे यही ट्रेंड चलने लगा। तो फिर ये क्या हो रहा है जहां स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, लॉस भी उतना ही ज्यादा है, पर इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा पैसा बना रहे हैं? इन्वेस्टर्स एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। जब भी वो कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो दो चीज को देखते हैं कि उनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है एंड दूसरा उनको कोई कंपनी एक्वायर कर सकती है या नहीं। अब रेवेन्यू और प्रॉफिट की बातें नहीं हो रही थी, इन्वेस्टर्स खाली DAU डेली एक्टिव यूजर्स, MAU मंथली एक्टिव यूजर्स एंड ई कॉमर्स कंपनी के GMV को देख रहे थे। अब सारे स्टार्टअप्स एक रेस में लग गए टू गेन मोर नंबर ऑफ यूजर्स एंड ई कॉमर्स कंपनीज वेर फोकसिंग ऑन देयर सेल्स। ये एक साइकिल की तरह वर्क कर रहा था। सिंस इन्वेस्टर्स वेर फोकसिंग ऑन नंबर्स, स्टार्टअप्स स्टार्टेड गिविंग हेवी डिस्काउंट्स एंड स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर ऑन एड्स एंड मार्केटिंग एंड दिस थिंग अट्रैक्टेड मोर नंबर ऑफ यूजर्स टू देयर प्लेटफॉर्म, जिसके कारण इनका रेवेन्यू डे बाई डे बढ़ने लगा और इन्हें आसानी से फंडिंग मिलने लगी। Like भारत पे spent ₹1483 करोड़ to earn ₹457 करोड़ in financial year 2022. पर अब इतनी फंडिंग कम क्यों हो रही है और layoffs क्यों हो रहे हैं? कोविड रेस्ट्रिक्शन कम होने से और लॉकडाउन खत्म होने के बाद मार्केट सेंटिमेंट्स काफी अच्छे होने लगे। तब सारे यूनिकॉर्न कंपनीज लाइक पेटीएम, जोमेटो, नाइका ने अपने IPO निकाले, पर ये आज नियरली 60% डाउन है। इसे देखते हुए इन्वेस्टर्स को समझ आ गया कि इन पब्लिक मार्केट दे कांट प्ले विद वैल्यूएशन एंड कंपनीज लाइक ओला, बोट, ओयो, इन्होंने अपने IPO के प्लान्स या तो डिले कर दिए या ड्रॉप कर दिए। स्टार्टअप्स के लिए अभी विंटर पीरियड आ गया है। नाउ इन्वेस्टर्स आर थिंकिंग अबाउट प्रॉफिट्स बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट। अगर हम सॉफ्टबैंक को देखें जो स्टार्टअप्स में बहुत एक्टिवली इन्वेस्ट करता है, रिसेंटली दे अनाउंस 5.9 बिलियन नेट लॉस जो बहुत ही ज्यादा है। इसी कारण से हमें लेऑफ देखने को मिल रहे हैं। तो क्या फिर ये ग्रेट इंडियन स्टार्टअप पार्टी खत्म हो रही है? कमेंट करके बताइए। पर ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।